नमस्कार दोस्तों, यादें बचपन की धारावाहिक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस धारावाहिक के माध्यम से हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में एक मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे मेहमान एक लेखक हैं जो कि बहुत ही सीनियर हैं। पारिवारिक आपदाओं के कारण उन्हें मैट्रिक पास करने के बाद ही नौकरी करनी पड़ी, लेकिन कुछ करने का जज्बा था इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ बीए पास किया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। ये देश प्रेम था कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत सीनियर हैं और आज के बड़े लिविंग राइटर्स में से उनकी उम्र सबसे ज्यादा है। आज वो 94 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी लेखनी और उनकी आवाज बदस्तूर ठीक चलते हैं। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज तक उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, उन्हें उनकी संख्या याद नहीं है। हां, उनसे मुलाकात के पहले हम डालते हैं एक नजर उनकी लिखी हुई पुस्तकों पर और उनकी उपलब्धियों पर। भी लिख रहे हैं, इनके लेखन और इनकी उपलब्धियों पर अभी हमने नजर डाली और यह हमारा सौभाग्य है कि विष्णु प्रभाकर जी आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आइए। नमस्कार। उधर जाना हो ना जी। यहां बैठू जी। विष्णु जी, यादें बचपन की कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने इतना लेखन किया है अपनी जिंदगी में और जीवन के हर आयाम को छुआ। तो ये एक जो हमें आपके ग्रंथ कहूंगा मैं जो मिले हैं, आपका लेखन जो मिला है, तो हम शुक्रगुजार हैं आपके। और इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का टाइटल है यादें बचपन की, इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे आपकी कोई याद बचपन की जो आपके मन से जुड़ी है। देखिए, बचपन को अब क्या कब तक मानेंगे, बचपन कौन सा होता है ये आप बताएं, आप परिभाषित करें। तो देखिए, आमतौर से मानते हैं कि 12 साल तक बचपन मानते हैं जी। लेकिन हम तो समझते हैं कि 16-18 साल के हो गए थे हम, तब भी बचपना हमारा गया नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बड़ी त्रासद स्थितियों में से गुजरा हमने। उस छोटी सी उम्र के अंदर दुनिया के सारे रंग देखे, सबसे बड़ी खुशी देखी, सबसे बड़ा गम भी देखा, सब देखे। लेकिन बड़ा विचित्र एक बचपन हमारा इसलिए है कि हम एक उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा कस्बा है मीरापुर, एक तरह से बहुत सारे गांवों का वो बाज़ार है। अच्छा, आज भी है, चौघट्टा है वो बना हुआ और चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, पीछे बाद में घर बन गए हैं, वो तो बात दूसरी है, लेकिन मूलते हुए मीरापुर उसका नाम है। और ये मीरापुर हिंदुस्तान में आप बहुत जगह मिलेगा आपको इसी नाम से, बिहार में भी है और भी सब जगह है मीरापुर। अच्छा। और ये सब मुसलमानों का गाँव है, ज़्यादातर आबादी सैयदों की है, मुसलमानों में भी सैयद लोग जी, क्योंकि दो फर्क होते हैं ना, सैयद शेख जो हैं वो सैयद लोग हैं जो जो हज़रत मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो उस कल्चर में हमारा जन्म हुआ है। okay. क्योंकि हमारे घरों में पहनावे में मुस्लिम पहनावा इतना आया था कि हमारी माँ भी अक्सर देखा, हमें याद है उस दिन के वो सुथना पहनी हुई, लंबा कुर्ता एक जैसे मुसलमान काम पहनते हैं इस तरह से, और पर्दा तो बेहद था ही और मुसलमानी प्रभाव होने से और भी ज़्यादा। तो वो जो चादर लगाती थी, एक चादर उसके बाद दूसरी चादर, तीसरी चादर। अच्छा। और उसमें से वो आँख का यूँ जैसे बुरके में से होता है ऐसे करके, हम उसको बड़े विचित्रता से देखा करते थे कि कैसे करती हैं, देखती कैसे हैं। तो हम पूछते भी थे कई बार कि उनके भाभी, हम भाभी कहते थे माँ को, भाभी तुम्हें दिखाई देता है
अच्छा हाँ, तो हम इस तरह से जी सारा एक और हम बात बताएं बचपन की हमारी, कि हमारे परिवार में हमारी माँ पहली पढ़ी लिखी औरत थी, पहली खूबसूरत औरत थी और पहली एक बड़े घर की लड़की थी। अच्छा, तो इसलिए हमारी माँ का बहुत मान था, मान था, बहुत इज्जत थी। तो मान की इज्जत थी तो उसके संतान की भी इज्जत होगी। फिर एक और कारण था कि बहुत बड़ा परिवार था हमारा, 5-6 बाबाओं का परिवार, मकान बड़ा विशाल मकान था जिसको हमने अंतिम रूप से दान कर दिया गाँव को। आज वहाँ मंदिर बने हुए 2-3 उस मकान में, एक धनी धर्मशाला बनी हुई है। तो वो उस बड़े इस विशाल परिवार में हम रहते थे। तो हम बच्चे हमारे परिवार में, जो हमारे बाबा का परिवार था, उनके 3 बेटे थे, हमारे पिताजी बड़े थे, उसके बाद चाचा हमारे 2 और 2 लड़कियाँ थीं उनकी। तो उनके हमारे कोई परिवार में बच्चा नहीं था। बड़े दुखी जैसे बताया गया हमको, तो पता नहीं है। तो बड़े उससे फिर हमारा पहले हमारे भाई का जन्म हुआ, माँ की हमारी 28 साल की उम्र हो गई थी। उस समय ये उम्र बहुत बड़ी मानी जाती थी कि 28 साल तक बच्चा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई। हाँ, तो उस बच्चे को कहते हैं कि इतना जश्न मनाया गया। अच्छा, सारे गांव की दावत की गई। अच्छा, इसमें तो फिर 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ। फिर लोगों को लगा कि ये तो एक ही होकर रह गया, अब क्या होगा, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उसके बाद हमारा जन्म हुआ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर 4 साल बाद, बड़े भाई से हम 4 साल छोटे थे। तो फिर वही जश्न, 2-2 जसूठन और पता नहीं क्या क्या किया गया। हमारी माँ बताया करती थी सारी हमको, और परिवार में खुशी, ये सब। फिर एक के बाद हमारे, हम 5 भाई, एक बहन हुई थी, बहन की तो हमारी मृत्यु हो गई थी सावित्री, भाई 5 भाई हम आखिर तक रहे। अब हम 2 भाई मौजूद हैं, मैं हूँ और मुझसे छोटे भाई वहीं रहते हैं मेरे पास ही बराबर में। वो आयुर्वेदाचार्य थे। अच्छा, रिटायर हो गए हैं। तो आप एक बात बताएं कि आपने कहा कि आपकी जो माताश्री थी वो बहुत सुंदर भी थी और बहुत अच्छे परिवार से थी, पैसा वैसा खूब था, लेकिन मैंने जो आपके बारे में पढ़ा कि पैसे की तंगी के कारण या किसी और वजह से आपको सिर्फ मैट्रिक तक की शिक्षा ही पहले आपने की और उसके बाद आपको नौकरी करनी पड़ी। वो तो बहुत बाद की बात है। अच्छा, हम तो बचपन के बता रहे हैं, बचपन तो गांव में तो पढ़ने का था, 3-4 तक क्लास होती थी जी। तो उसमें हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से फर्स्ट आए। अच्छा, 3 क्लास में तक पढ़े, 3 में फर्स्ट आए जी। और उर्दू भी पढ़ी हमने, तो उर्दू के उस ज़माने की हमें जो कविताएं भी याद, उर्दू का भी हमें याद है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वाह, ये हमने 1919 में पढ़ा था और ये हमारे जीवन में ऐसा पेबस्त हुआ कि हम सारी ज़िंदगी शायरी करते रहे, शायरी करते रहे, घूमते रहे। और भी हमें याद है, घनघोर घटा खड़ी घड़ी थी, बूंद अभी तक एक नहीं पड़ी थी, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, मैं नाचीचे गरीब कतरा कैसे बचाऊंगा धरती की प्यास में। इस तरह की ये 1920 या 1920 की है, अब तक याद है। और हमें याद है, हमारा परिवार तो संपन्न था ना, वही दुकानें थी हमारी, हमारे चाचा जी दुकान थी कपड़े की, हमारे बाबा जी बैठते चावलों की दुकान पर। हमने सब लिखा, हमारा मुरब्बी नाटक जो अभी पढ़ाया भी जाता है और आपके टेलीविज़न से बहुत बार उसका ड्रामा भी हो चुका है। तो बिल्कुल हमारे मुरब्बी कहलाते थे हमारे बाबा, गांव के मुरब्बी भी। किस तरह से वो बात करते थे और चलते थे और कैसे ग्राहकों को समेटते थे। हाँ। तो सारी लंबी बातें हम शाम हो जाएगी बता दें, चले जी, वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सब हमारी ये थी, हम देखा करते थे क्या है। फिर मैंने कहा कि हमारी माँ पढ़ी लिखी थी तो अपने साथ वो जहेज में बहुत कुछ लाई थी, उनके जेवर गिरनाए पहनती थी, तो हमें जब पूरे जेवर पहनती तो हम लगता था कि माँ तो हमारी है ही नहीं, जेवर ही हैं। अच्छा, अंगूठे से लेकर यहाँ तक चांदी के, फिर इन अंगूठियों से भरे हुए और सारे लेकर सारे यहाँ तक, और फिर यहाँ से वो नाक कान के सब इतने दाना यहाँ और यहाँ, पता नहीं क्या क्या था नाम भी, और नाम भी कितने थे। तो उस सारे उसमें हम दुकानों पर जाते, हमारे पिताजी की दुकान थी, वो भक्त थे ना, सवेरे 3 बजे उठते थे, 10 बजे तक पूजा करते थे, 10 बजे दुकान खोलते थे, उनकी दुकान थी तम्बाकू की,
पीने का तम्बाकू, खाने का तम्बाकू, सूंघने का तम्बाकू, पता नहीं क्या क्या तम्बाकू लिए। लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे थे, रहा कि हम बात बताएं आपको कि जब उनकी सगाई हुई तो तब तक वो पढ़े नहीं थे। अच्छा, तो सगाई में पता लगा कि उनकी जो होने वाली पत्नी है वो पढ़ी लिखी है। तो उनका ये तो बड़ी खराब बात है, पत्नी पढ़ी भी होगी और हम पढ़े हुए नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसी दिन पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी हमको पढ़ाना शुरू करो और इस महीने में हमको सब कुछ पढ़ा दो। अच्छा, और इतना पढ़े फिर तो वो पंडित थे गांव के, उनका तम्बाकू के टोकरे भरे थे तो एक टुकड़ा किताबों से भरा था। और उस किताब में से हमने क्या क्या पढ़ा है, किस्सा हातमताई, किस्सा छबीली भटवारी, और पता नहीं किसने किससे, उसके बाद श्रीमद्भागवत पुराण, पता नहीं पुराण, सारी कहानियाँ पुराणों की। मतलब इस बात से ये बात तो तय होगी कि इरादा अगर आपका बन जाए एक बार कि हमें ये करना है तो आप कर लेते, इरादा एक बार ठान लें, जैसे आपके पिताजी ने किया कि सगाई जब हो गई और शादी होने वाली थी, जब उन्हें मालूम चला कि वाइफ जो आने वाली हैं वो पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने भी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम यूथ को टारगेट करके बना रहे हैं हम लोग कि आपके जीवन की समस्याओं को और परेशानियों को, जिन हालात में आपने तरक्की की और अपनी मंजिल को पाया। परेशानियाँ हमारी शुरू हुई हैं वो तो तब शुरू हुई कि अब लंबी कहानी तो हम बता नहीं सकते, पूरी बहुत सवेरा हो जाएगा। हाँ जी, हम माँ ने कहा कि हम यहाँ तो तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो उन्होंने हमारे बड़े भाई को पहले ही भेज दिया था अपने भाई के पास। अच्छा, वो पंजाब में हिसार में गवर्नमेंट लेटर फार्म में क्लर्क थे, क्लर्क हो गए थे, और उनको आरिश माझी थे, पढ़ने का बड़ा था तो वो वहाँ पढ़े। वो दसवीं पास जब कर चुकी सन 24 में, तो मैंने हमारे मुझको और मेरे छोटे भाई को, दोनों को भाई, इनको भी मैं वहीं भेज दिया, मतलब राम लक्ष्मण को वनवास दे दिया, ये उनके शब्द थे। अच्छा। तो ये 12 साल की उम्र तक हम गांव में रहे, तो बड़े समृद्धि का युग था जब तक गांव में थे। हाँ, मीरा, हाँ, मीरापुर कस्बा था, पर बहुत पैसे वाले परिवार थे हमारे सारे, तो हमें सब कुछ मिलता था, खाने पीने कुछ नहीं, बड़ा समृद्धि, कोई हमने कोई अनुभव ही नहीं। दूसरे हम किताबें माँ के पास थी, उनको पढ़ने की कोशिश करते थे, पैदा हुआ कि ये क्या लिखा है, वहाँ से पूछते थे भी तुमने कैसे पढ़ा है, वो हमको बताती थी, पढ़ाती भी थी। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देखा देखी हमारी चाचियों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, और उन दोनों को हमने हिंदी पढ़ा दी थी। उसके बाद 24 में हम चले गए हिसार। हिसार, तो वो 24 का जो 12 साल की ज़िंदगी की लाइफ थी वो तो एक स्वर्ग की लाइफ थी हमारी। उसके बाद हमारी लाइफ का दिक्कतें धीरे धीरे डे नरक की ओर प्रस्थान होता है। कैसे, क्या हुआ ऐसा? क्योंकि 24 में हम निकले तो 25 में आखिरी प्लेग हिंदुस्तान में महामारी फैली। अच्छा। प्लेग की महामारी बहुत फैलती थी, हमने जानते हैं। हाँ। गाँव के गाँव खाली हो जाते थे, हिसार टाउन जो था हमारा पूरा हमने 24 के प्लेग में खाली कर दिया था सारा। अच्छा, तो 25 में जो प्लेग आई उसने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया। हमारे परिवार के हमारे चाचा जो सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, जो कुमाते भी सबसे ज़्यादा थे, संपन्न परिवार बनाया था जिन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई, चाचियों की मृत्यु हो गई, एक भाई की मृत्यु हो गई, एक मोक्षा के हमारी माँ बची, हमारे पिताजी तो भगत थे, वो कुछ कर नहीं, दूसरे चाचा थे बहुत कमाते थे लेकिन जुआ खेलते थे, नष्ट कर देते थे, ताकतवर भी बहुत थे, लड़ते थे, तो दिक्कतें किस किस्म की, मतलब पैसा आना बंद हो गया, हमको वहाँ भेज दिया था पंजाब। तो ये 25 ही घटना हुई, तो 25 तक तो हमारा परिवार हमको पैसा देता रहा। ठीक है, 25 में कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए, तो मामा ने हमको पढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो हालत हो सकती है आप कल्पना कर लीजिए, वो हम नहीं बता सकते कि किस हालत में हम पढ़े वहाँ, किस हालत में हमारा वो हुआ, क्योंकि पैसा नहीं था, मामा बेचारे कहाँ से लाएं पैसा, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमको पढ़ाएं, क्या कृषि से पढ़ाएं। बिल्कुल, तो ये सब दिक्कतें आई, और हम इतनी समझ थी हमें कि भाई हमें पढ़ना चाहिए, ये सब थी, लेकिन तो 1925 में जब आपने माइग्रेट किया वहाँ, तब कौन सी क्लास में थे तब, कक्षा क्या थी जी? कौन सी कक्षा में थे 1925 में जब आप? हम आए थे छठी में, दाखिल हुए सीधे छठी में। अच्छा,
तीसरी पास करने के बाद एकदम छठी में दाखिल हुए थे। क्योंकि मुझे याद है आपने 1935 या उससे पहले ही लिखना भी शुरू कर दिया था। वो तो बात की बात है कि हमने क्योंकि हम पढ़ते थे, किताबें सब देखी, तो हम सोचा करते थे, बच्चों की आदत थी नहीं सोच, बच्चों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते आप क्या क्या सोचता था बच्चा। हम ये भी सोचते थे कि ये किताब लिखी जिसने, तो हम नहीं लिख सकते क्या, कैसे लिखें इसमें से हमें। तो हमारा छोटा भाई था, हमसे बहुत लड़ता था, तो फिर हम वहाँ गए, हम बाल एक बालसखा पत्रिका निकलती थी, बहुत मशहूर पत्रिका थी, उसमें पत्र छपते थे बच्चों के। अच्छा, तो हमने देखा पत्र बच्चों के लिखे, हम भी लिखे। अच्छा, शुरुआत वहाँ से हुई पत्र लिखने। तो हमने एक पत्र लिखा, 1927 की बात है ये, कि हमारा छोटा भाई हमसे बहुत, हाँ वो हमने ऐसा लिखा कि हमारा एक मित्र है, उनका छोटा भाई उनसे बहुत लड़ता है, काम नहीं करने देता, उसको कैसे समझाया जाए ये सब, तो कर रही तो 1927 में लिखा। तो वो पत्र हमारा छप गया। अच्छा, और उसके नीचे संपादक का जवाब भी छपा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हमें तो पता लगे, हमारे पास तो आता ही है, तो हमारे एक मित्र के यहाँ ये पत्रिका आती थी, वो एकदम राय, मेरा नाम उसमें विष्णु गुप्ता था, उसका भी एक इतिहास है। जब हम वहाँ पहुँचे तो पूछा गया, सुमित तुम्हारा नाम क्या है, हमने कहा मेरा नाम तो विष्णु है, कोई दयाल कहता है, कोई सिंह कहता है, क्या है। अच्छा अच्छा, तो वो आरिश्मा जी थे, वो बोले तुम वर्ण कौन सा तुम्हारा, हमने कहा वर्ण क्या होता है, पहले वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है अब, हमने कहा हम वैश्य हैं, तो फिर तुम गुप्ता हुए, और हम 1906 क्लास से और 10वीं क्लास तक, आज भी हमारे पासपोर्ट के अंदर विष्णु गुप्ता लिखा हुआ है। पहली बार लेखन से, लेखन तो, से कमाई कब हुई, पैसा कब मिला? नहीं, पैसा तो मिलने का सवाल नहीं था, पैसा तो वो बड़ी उम्र तक भी नहीं मिला लेखन से। हाँ, लेखन से पैसा नहीं मिलता था, जब हम लिखने लगे थे शुरू किया हमने। हंस में इतना लिखा हमने उस जमाने में, प्रेमचंद जी की मृत्यु बाद से 36 के बाद लिखते रहे, कभी एक पैसा नहीं मिला हमसे। पैसे हमको पहली बार हंस में उन लड़ाई के दौरान में हमको दिया था पैसा अमृत राय ने जी। पहले तो 5 रुपये दे दिए किसी ने, माया में हमारी कहानी छपी, इसने 5 रुपये भेजे, 5 रुपये की कीमत भी बहुत थी ना। आज काजू हमने आपके घर में देख लिया, पता नहीं कितने दिन बाद देखा है, खाया है, हम जानते नहीं। और वो दिन थे हमारे 24, 25, 26 के, तो हमारी दोनों जेबें जो हैं काजू किशमिश ये पिस्ते से भरी रहती थी। ये हिसार आने से पहले की बात, 5 पैसे छठा के काजू आता था जी, 2 पैसे की आज पर जलेबी आती थी, हम सबसे पहले नाश्ता करने जाते थे, जो पाव भर जलेबी आती थी, दोनों भाई और पापा भर दूध पीते थे, 3 पैसे दूध मिलता था, आप सोच सकते हैं? मैं सोच सकते हैं, आप बता रहे हैं। हमारे देश ने प्रगति की है, अवनति की है, आज रुपया गायब हो गया मार्केट से। एक बात बताएं कि जब आपने कोई ऐसा लेखन किया जिसको आपने पब्लिशर के पास पब्लिश होने के लिए भेजा, तो पहली बारी में ही छप गया वो? नहीं, शुरू में तो ऐसा हुआ ना, जब हम गए तो तब तक हमारी मशहूर हो गए थे हम लेखक, लेकिन हमारी किताब नहीं छपी थी। अच्छा, तो हमने फिर सोचा कि भाई किताब छपवाएं, तो वहाँ देखी पब्लिशर ऐसे ही थे लोग, जो हिंदी की, हिंदी का प्रचलन था नहीं इतना, तो मुरादाबाद के एक आदमी थे जो जगदीश बी ए, जो बड़े अच्छे हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर था, और बाद में उन्होंने काम भी बहुत किया दिल्ली में, उन्होंने हमारी एक किताब कहानी संग्रह आदि और अंत छापा था पहला। इसी तरह से हमारा पहला एकांकी संग्रह बॉम्बे वाले ने कहीं छपा। आज के यूथ जो हमारे सामने बैठे हैं, जो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेखक बनना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप मार्गदर्शन करें कि देखिए लेखक बनाया नहीं जा सकता। हाँ, ये मानते हैं जी, हम लोग मतभेद करते हैं, नहीं उनकी रुचि होगी लेकिन नहीं, वो रुचि तो आप निकलेगा कोई ना कोई। अब देखिए हम गाँव में गए तो किसान मिल गया, उसका लड़का देखा इतनी सुंदर कविता करता था, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज लेखन जो है, लेखन तो एक लेखन जरूरत है, नहीं लेखन में देखिए एक मन के अंदर बीज होता है अपने, हम ये मानते हैं कि लेखन जो है वो सिखाया नहीं जा सकता। नहीं, आता तो अंदर से है। हाँ, वो अंदर से आता है, वो बीज अगर है। मेरे 5 सगे भाई, 2 चाचा के भाई, 7 भाइयों में मैं लेखक हूँ। बड़े भाई तो कभी लिखा नहीं, वो भी थे थोड़े से, किसी को कोई इंटरेस्ट है। विष्णु जी, आज के इस बदले हुए परिवेश में आप कैसे मार्गदर्शन करते हैं आज की युवा पीढ़ी का? सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये है कि यूथ को आज ये क्वेश्चन करना, अपने से प्रश्न करने हैं कि क्या मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ, यह कोई इसका विकल्प है,
अगर विकल्प है तो कैसे मिल सकता है, तो आपको विकल्प भी मिलेगा और रास्ता भी मिलेगा। आज के यूथ में विष्णु जी एक चीज देखी जाती है, आज के यूथ में मैं जनरलाइज टर्म बोल रहा हूँ वैसे तो, लेकिन कुछ लोग जो भटक जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, नशा करने लगे या तंबाकू का सेवन करने लगे। आप तो ऐसे परिवार से रहे हैं, आपके पिताजी का तंबाकू का व्यापार था, लेकिन आपके पिताजी को आपकी माताजी ने तंबाकू पीना छुड़वा दिया था। हुआ था ना ऐसा एक बार, वो किस्सा बताएं जरा कि कैसे कुछ भी कभी भी ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में जब आदमी अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है। घटनाएं बहुत है ना, हमारे पिताजी हुक्का पीते थे, हम बच्चे थे तो बच्चे का तो क्यूरियोसिटी होती है जी, बच्चे की सबसे बड़ी खूबी होती है बच्चा जानना चाहता है। हम जानना चाहते थे तो हमारे गाल पर थप्पड़ लगता था जी, लेकिन जब हमारे बच्चों ने जानना चाहा तो हमने उनको बताया। मेरी तो कई कहानियाँ इस तरह की, वो तो बताएंगे नहीं। हमने पिताजी देखा कि वो हुक्का पिया करते थे तो बच्चों की नकल करने की आदत होती है, तो पिताजी कहीं चले गए, हमने हुक्के पर जाके गुड़गुड़े लगा दी और वो पानी सारा हमारे अंदर आ गया, अंदर आ गया और हमारी इक्के बुरी हो गई, तो माँ की बुरी हालत हो गई, माँ को गुस्सा आ गया। हालांकि पिता डांटते थे माँ को, माँ ने पिता को डांट दिया, प्यार से डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती बेटा, तुम्हारा गिरात में हुक्का पीते हो। और मैं पिता की तारीफ करूँगा, उनकी सारी बातों से मैं सहमत नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उसी वक्त हुक्का उठाया, तोड़ दिया और फेंक दिया, उसको कभी नहीं किया। आपके निजी जीवन पे आपने एक दो पंक्तियाँ लिखी हैं कि स्मृतियाँ मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र हैं, ये दर्द देती हैं तो पवित्र भी करती हैं जी। आपने लिखा है अपनी पुस्तक में कि स्मृतियां मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र हैं, ये दर्द देती हैं तो पवित्र भी करती हैं। तो ये दर्द क्या है, वो जो आपके अपने जीवन का दर्द? स्मृति जिसको जो रहा हमारे, मतलब हमारे परिवार के कोई व्यक्ति से बड़े प्यार करते थे, अच्छा, तो वो चला गया तो उसमें तो दर्द होता है। हमारे चचा जब गए, जिस परिवार के स्तंभ थे, उसमें क्या हालत हुई मेरे परिवार की बता नहीं सकते, तो इतना दर्द दिया उसने। लेकिन दर्द जो है, आप याद रखिए कि दर्द हमेशा पवित्र करता है, दर्द कभी दूसरी ओर नहीं ले जाएगा आपको। तो मुझे गिनने कहते ये हमारा वाक्य है कि दर्द से दर्द होता है तो पवित्र भी होता करता है, दर्द होता है तो पवित्र, तो वो बहुत सही बात है, इसमें कोई इस बात में नहीं है। ये हर एक के जीवन में होता है, सोच कर देख ले कोई कोई भी हो, कोई बच्चे है ये है इनके, मतलब किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ये सबसे बड़ा प्रियजन माँ होती है। विष्णु जी बड़ा अच्छा लगा, हमारे ये युवा दोस्त कुछ बैठे हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं शायद, तो आप कृपया पहले आप बोलिए जी। स्वतंत्रता संग्राम में आपका काफी योगदान रहा है, तो ऐसे संग्राम के दौरान कोई ऐसी घटना घटी हो जो आप कभी भुला नहीं पाए हैं और कभी भुला नहीं पाएंगे? देखिए, हम बचपन की घटना बताते हैं कि जब शुरू 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ और सारे देश में एक तूफान आया, तो हमारे उस कस्बे में भी बहुत जोर लगा है। तो एक मीटिंग में हम जाते थे, तो हमारे चाचा हमको साथ ले जाया करते थे, हमारी उम्र 7 साल की थी। तो उस समय जो एक घटना घटी, छोटी सी है, कोई ट्रेजिक घटना नहीं है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे हमारे गांव के, एक बड़े बहुत बड़े वैद्य थे, उनका एक बच्चा था, 5 साल की उम्र थी उसकी, लगभग 5 साल की उम्र थी, वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो भाषण देना था उनको, तो उन्होंने कहा कि हमसे पहले हमारा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो वो 5 साल का बच्चा मोटी खद्दर की धोती और कुर्ता पहने, गले में दुपट्टा डाले, अजीब एक मूर्ति सा बना, उसको खड़ा कर दिया माइक पर। उसने 2-3 वाक्य बोले, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप देख रहे हैं मैं खद्दर पहनता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ आप भी खद्दर पहनिए। बस तालियां टूट गई, तूफान उठ गया। वेरी गुड, घटना से, और वो घटना से लेकर ये खद्दर आज तक हमारे लिए टटका हुआ है। सर, आपने अपनी जिंदगी के कई पहलू बताए, कई आपत्तियां
सर देखिए, हम बता चुके हैं ये बात, इसका प्रश्न कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत हमारी माँ बनी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और पढ़ी लिखी तो पुस्तकें साथ में लेके आई थी। हम पुस्तकें पढ़ तो नहीं पाते थे, लेकिन किताबों को खोलते, तस्वीर देखते, कभी उनसे पूछते भी थे, कभी उनसे माँ हमारी कहानी सुनाती थी। तो बच्चे में एक विशेषता होती है जो हम उस समय नहीं लोग पहचानते थे हमारी, हम आप पहचान लेते बच्चों में, कि वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो, ये किताब लिखी है किसने, कैसे लिखी है ये, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारी माँ इससे बहुत खुश होती थी। अरे हमको इतना पढ़ने का शौक़ हुआ किताबें देख देख करके कि हमारे पास जो ये पंसारी के दुकान से कागज़ों में बंद कर आते थे, तो वो कागज़ हम खोलते थे और उसको पढ़ने लगते थे। आपका जो शुरू का लेखन था और अब का लेखन है, उसमें क्या फ़र्क आया अभी? देखिए फ़र्क तो एक तो ये कि मूल रूप में तो बहुत विशेष अंतर है नहीं, क्योंकि जो हमारी मान्यता तब लिखना शुरू किया था तो हम आर्य समाज के प्रभाव में थे और गांधी का प्रभाव भी पड़ चुका था, तो ये प्रभाव कमर वेश हमारे ऊपर आज भी वैसे पड़े हुए हैं। तो जैसा आपने देखा, विष्णु जी हमारे बीच आए, उन्होंने अपनी यादों को फिर से ताज़ा किया, अतीत पर अपने एक नज़र डाली और हमें भी रोमांचित किया अपने संस्मरणों से, और आपके सवालों के जवाब भी दिए, हमारा सही मार्गदर्शन हुआ। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, हमें उनका लेखन बराबर पढ़ने को मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु जी। आए। आए।